एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरे कंप्यूटर कोर्स का 4 डे क्लास है और आज का मेरा जो टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर की पीढ़ियां। इस क्लास को देखने से पहले हमारी पिछली वीडियो जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पर बनी हुई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे यदि आप देख लेते हैं तो फिर हिस्ट्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। पिछली वीडियोज़ को देखने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास जो मेरी है वो भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जनरेशन है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो एक चर्चा का विषय है, उसको समझना और उसको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक बार फिर से कहना चाहते हैं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अभी कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारी वीडियोज़ को शेयर करें तथा वीडियोज़ को आप लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट में ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी है, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो देखते हैं हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि एक जानना बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में कंप्लीट जो डिफरेंसेस हैं, जो भिन्नताएं हैं एक से दूसरी पीढ़ी में, उसको हम समझते हैं। उसमें जो मेन इन्वेंशन है, जो मेन चेंजेस किए गए हैं, उनकी जो मेन विशेषताएं हैं वो 1946 से स्टार्ट हुई हैं। उसके बाद एक नई नई पीढ़ी आई जिसमें नए नए टाइप के कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए गए, जिससे कंप्यूटर की स्पीड और कंप्यूटर अपग्रेडेड होकर के आने लगा। तो उसे हम समझते हैं। वी क्लासिफाइड द इवोल्यूशन इनटू 5 जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेन चेंजेस ऑकर्ड, दे आर एज फॉलोज। उसको हम समझते हैं, उसके जो मेन चेंजेस हुए हैं, उसमें जो मेन पार्ट, जो इन्वेंशन में जो मेन चेंजेस किए गए हैं उसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर का है, जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी जिसे हम कहते हैं, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कब आई? 1946 में जब ENIAC आ गया। ENIAC आया क्यों? क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसमें अमेरिकन मिलिट्री को बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा संचार करने के बाद वैसी कोई टेक्निक नहीं थी, ऐसा कोई कंप्यूटर सिस्टम नहीं था जिससे वो अपनी मिलिट्री को और भी पावरफुल कर सकें और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। तो उसके लिए ENIAC को बनाया गया, आप जानते हैं सर जॉन माउसली एंड परस्पर एकर्ड ने ENIAC जनरेट करा, उनके साथ बहुत सारे प्रोफेसर, बहुत सारे इंजीनियर्स मिल करके वर्क किए, तो ENIAC जनरेट हुआ। और ENIAC जो था उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट लगा हुआ था, जिसे हम पहली पीढ़ी का कंपोनेंट मानते हैं, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था आपका जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन 1946 to 1956, इट मीन्स 10 ईयर का एक समथिंग पीरियड है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, जनरेशन्स में बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती हैं, तो कहीं आपको 45 to 58 मिलेगा, कहीं 46 to 59 मिलेगा, कहीं 46 to 56। तो मैं इसमें आप लोगों का एक समथिंग पीरियड, जो 10 ईयर का एक पीरियड है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। तो इसे आप समझें, मेन बेसिक इसमें जानकारी क्या है कि प्रत्येक पीढ़ी में जो मेन इन्वेंशन किए गए, जो मेन कंपोनेंट चेंज किए गए, जिसके आधार पर उसे हम एक नई पीढ़ी माने, तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं इसमें आपको क्लियरली समझाऊंगा। तो वीडियो को बहुत ही केयरफुल आप देखेंगे। आप देखें कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, जो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जिसे कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कही गई, उसमें वैक्यूम ट्यूब जो मेन कंपोनेंट था, वो वैक्यूम ट्यूब इन्वॉल्व किया गया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो ENIAC था वो बहुत ही लार्ज कंप्यूटर था, फर्स्ट लार्ज जनरल पर्पज कंप्यूटर आपका ENIAC बना, जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किए गए। वैक्यूम ट्यूब में हीटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, जो आपको बताया मैंने कि ENIAC जो है वो फर्स्ट लार्ज जनरल पर्पज कंप्यूटर था। लार्ज क्यों हम इसे कहते हैं? क्योंकि इसकी जो लंबाई थी समथिंग 100 फीट की थी और इसकी जो हाइट थी वो 10 फीट थी और ये लगभग 30 टन का था। इसका जो हैवी वेट था, बहुत ज़्यादा हैवी वेट था, और 130 किलो वाट ये लाइट लेता था, ये एसी लेता था, मतलब ये बहुत ही बड़ा सिस्टम था। आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ 18,000 वैक्यूम ट्यूब इन्वॉल्व किए जाएंगे तो उस कंप्यूटर की साइज कितनी बड़ी होगी। तो जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर आया ENIAC, उसमें वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल किया गया। इस तरह से उसके बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए, बहुत सारे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इस टाइप के बहुत सारे कंप्यूटर्स आए, जिसमें कुछ एग्जांपल आप देखें, ENIAC है, एडवैक है, एडसैक है, यूनिवैक है, एक्सेट्रा। इसमें बहुत सारे ऐसे आए जो हम
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इन्वॉल्व करते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आया होगा कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो आपका ENIAC जब आया 1946 से 1956 का जो पीरियड था, एक 10 ईयर का जो पीरियड है वो आपका फर्स्ट जनरेशन, मतलब 1946 से लेकर के 1956 का जो पीरियड था वो आपका फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया जो कि 1947 में ही लॉन्च हो गया, तो उसके बारे में मैं आगे अभी आपको डिस्क्राइब करता हूँ। देखते हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन मतलब दूसरी पीढ़ी, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी। तो क्या डिफरेंसेस थे पहली पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में, उसे हम जानेंगे इसमें। सेकेंड जनरेशन, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन, सेकेंड जनरेशन का जो समय था, पीरियड था, क्या था, 1956 टू 1965। मैंने आप लोगों को बताया कि जितनी भी कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं वो समथिंग 10 ईयर के डिफरेंसेस हैं सब में, 10 ईयर का जो पीरियड है उनका। तो 1956 बिकॉज 1946 टू 1956 तक फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन 1956 टू 1965 तक। इसमें क्या चेंजेस थे फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में, चेंजेस क्या हुए इसमें आप देखें, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर आ गया। ट्रांजिस्टर, जैसा कि भी मैंने बताया कि ट्रांजिस्टर को विलियम स्टॉकले ने 1947 में ट्रांजिस्टर को डेवलप कर दिया, जो वैक्यूम ट्यूब से साइज में भी छोटा था, उसकी हीटिंग भी कम थी और उसका वर्क करने का स्पीड भी उससे कहीं ज़्यादा था, तो इसलिए वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर इन्वॉल्व कर दिया गया, जो कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट था। इसीलिए चेंज हो गया वो प्रथम पीढ़ी से द्वितीय पीढ़ी में, जो चेंजिंग हुआ सबसे बड़ा चेंजेस क्या था, ट्रांजिस्टर आ गया, वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर को इन्वॉल्व कर लिया गया। और ट्रांजिस्टर के जो फादर हैं, ट्रांजिस्टर को बनाया किसने, विलियम स्टॉकले ने 1947 में ट्रांजिस्टर को डेवलप कर लिया, जबकि उस टाइम आपका फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही चल रहा था। उसके बाद चूंकि कोई भी चीज़ नई चीज़ आती है वो तुरंत उसको यूज़ नहीं किया जाता जब तक उसका डेमो ना कर लिया जाए, तो इस तरह से ट्रांजिस्टर आ गया। तो वो आपका 1956 से लेकर के 1965 तक का जो पीरियड है उसे हम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी मानते हैं, जिसको ट्रांजिस्टर बेस्ड पर बनाया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। तो क्या चेंजेस हुए ट्रांजिस्टर, जैसे फर्स्ट पीढ़ी में आपका, पहली जनरेशन में आप, प्रथम पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब था, सेकेंड जनरेशन में, द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आया, तो तृतीय पीढ़ी जो उसकी थी, तीसरी पीढ़ी, उसमें क्या चेंजेस हुए थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो पीरियड था वो 1965 से 1971 का पीरियड था, 1965 से लेकर के 1971 का जो पीरियड है पूरा उसे हम थर्ड जनरेशन कहते थे। उसमें आपका एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जिसे इंटीग्रेटेड सर्किट कहा गया, जो आप देखें इसके फादर थे जैक किल्वी। जैक किल्वी ने 1958 में ही इसको टेक्सास इंस्ट्रूमेंट के द्वारा इसको डेवलप कर लिया। तो एक एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें आपका इंटीग्रेटेड सर्किट इन्वॉल्व कर लिया गया, और जब ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ किया जाने लगा तो वो कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन कही गई, कंप्यूटर की तृतीय पीढ़ी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईसीज के बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। आईसी 5 प्रकार की होती हैं, एसएसआईसी, एमएसआईसी, एलएसआईसी, वीएलएसआईसी एंड यूएलएसआईसी। तो इसको मैं एक क्लास, इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा उसके बारे में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन। चौथी पीढ़ी का जो पीरियड था वो क्या था, 1971 टू 1980, 1971 से 1980 का जो पीरियड था वो आपका फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड था। वो कंप्यूटर और भी एडवांस हो गया, हालांकि वो आईसी बेस्ड ही था, उसमें जो कंपोनेंट रिप्लेस किया गया आईसी के स्थान पर वो माइक्रो प्रोसेसर हो गया, वो वीएलएसआईसी। वीएलएसआईसी मींस होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। मैंने अभी आपको बताया कि हम जो पांचों टाइप की आईसीज हैं उसको मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बना करके आपको उसके बारे में समझाऊंगा। तो वेरी लार्ज बेस्ड आपका जो माइक्रो प्रोसेसर बना वो
आईसी से कहीं ज्यादा एडवांस था, इसलिए उसे फोर्थ जनरेशन मान लिया गया। 1971 से 1980 तक का जो पीरियड था वो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का था, मतलब चौथी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी। माइक्रो प्रोसेसर को इतना, आईसी को इतना एडवांस तरीके से, एडवांस वे में किसने बनाया? टेड हॉफ ने 1970 में माइक्रो प्रोसेसर को जनरेट करा, जो कि VLSIC बेस, आज भी VLSIC ULSIC बेस ही सिस्टम यूज किए जाते हैं, जो आपका पेंटियम 4 है, पेंटियम 2 है, ये सब आपके VLSIC बेस माइक्रो प्रोसेसर पर यूज, आज के भी सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर ही यूज किए जाते हैं। जैसे आप कोर i3 है, कोर i5 है, कोर i5, कोर i7 है, ये सारे जो आपके प्रोसेसर्स हैं वो सब VLSIC और ULSIC पर हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज भी माइक्रो प्रोसेसर ही यूज हो रहा है, केवल आईसी का टेक्नोलॉजी, आईसी का स्केल बढ़ा दिया गया है, आज भी माइक्रो प्रोसेसर ही हम यूज कर रहे हैं। तो जो फिफ्थ जनरेशन है कंप्यूटर की, वो कैसे चेंज है आपके फोर्थ जनरेशन से, इसको आप ध्यान से देखें कि फोर्थ जनरेशन से कैसे चेंज है आपका फिफ्थ जनरेशन, जो आज हम चल रहा है, जो प्रेजेंट है आपका, और जो आने वाला फ्यूचर है, अभी आपका फिफ्थ जनरेशन ही यूज किया जा रहा है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन 1980 के बाद का जो पीरियड है वो फिफ्थ जनरेशन माना गया, बिकॉज इसमें आपका ULSIC टेक्निक का माइक्रो प्रोसेसर यूज किया गया। ULSIC मीन्स होता अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें 10 लाख अबव कंपोनेंट आपके प्रोसेसर में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। और सबसे बड़ी बात, ये कंप्यूटर्स जो है आप हर जगह देखने को मिलता है, जो आप देखते हैं जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉम टॉप कंप्यूटर्स हैं, या आपका एजुकेशन सेक्टर देख लीजिए, आप फिल्म प्रोडक्शंस में देख लीजिए, एग्रीकल्चर में देख लीजिए, हॉस्पिटलिटी में देख लीजिए, ऐसे बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं, रिसर्च सेंटर्स में देख लीजिए, तो ये सब फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ही यूज़ किए जाते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में जो सबसे एडवांस चीज़ थी, जो सारे कई सारे डेवलपर मिल करके स्ट्रीविंग हार्ड वर्क करके उन्होंने एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, जिसमें एक बनावटी, एक बुद्धिमत्ता डाल दी, इंटेलिजेंस आ गया, एक बनावटी दिमाग उसमें डाल दिया गया, जिसका एग्जांपल आप देखते हैं रोबोट है, या ऐसे बहुत सारे सिटी स्कैन मशीनें, ऐसे बहुत टाइप की मशीनें यूज की जा रही हैं जो आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्क करती हैं। तो आज के जो कंप्यूटर्स हैं, ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स जहां आप देख पा रहे हैं, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हैं, और जो फिफ्थ जनरेशन है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, उसमें ULSIC माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड बनाया गया, और उसमें जो सबसे मेन टेक्निक लॉन्च की गई वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल मतलब होता है बनावटी, इंटेलिजेंस मीन्स होता है बुद्धिमत्ता, तो जो बनावटी बुद्धिमत्ता कंप्यूटर में आई, जैसे आप बनावटी बुद्धिमत्ता, उसमें हम प्रोग्राम करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग वो सारा काम आपका करता है, फिर आपको बार बार उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देना होता है, आपके प्रोडक्शन को गेन कराता है, ऐसे बहुत सारे वर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के कारण, वर्चुअल रियलिटी हो गई, आप में क्लाउड कंप्यूटिंग का वर्क हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़, 3D प्रिंटिंग, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाने के नाते बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त होने लगी। तो जो अब हम फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं 1980 के बाद, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो है वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर है। तो ये थे आपके कंप्यूटर की जनरेशंस, जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ एंड फिफ्थ, इस पांच जनरेशन में इसको कैटेगराइज किया गया हुआ है। मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो है ENIAC, जब आपका डेवलप हुआ 1946 से 1956 का जो पीरियड है वो फर्स्ट जनरेशन है, 1956 से 1965 का जो है वो आपका सेकंड जनरेशन है, और 1965 से 1971 का जो पीरियड है वो आपका थर्ड जनरेशन है, 1971 से 1980 का जो पीरियड है वो आपका फोर्थ जनरेशन, और 1980 से अब जो चल रहा है वो आपका फिफ्थ जनरेशन है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ULSIC VLSIC टेक्नोलॉजी पर हम वर्क कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था आप लोगों का कि कंप्यूटर्स की पीढ़ियां क्या होती हैं। आपको एक बार मैं फिर से बता दूं कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो था वो ट्रांजिस्टर बेस्ड था, थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो आपका इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी बेस्ड था, और फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर जो है आपका वो माइक्रो प्रोसेसर VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था,
और जो फिफ्थ जनरेशन आप चल रहा है अभी भी वो ULSI माइक्रो प्रोसेसर बेस और विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्लूड, जो आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर है जो 1980 के बाद आया। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही नॉलेजबल रहा होगा ये। इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो अभी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।